अगर ये कहते मैं दोषी नहीं हूँ, आप मदद क्यों नहीं कर सकते? एक बार फिर सत्य जीता है। राम बन जाओ भैया, 2.5 लाख लोग पैसे चुका दो, मैं कहूँगा तुम राम की तरह व्यवहार कर रहे हो। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। इसके बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि सत्य को पराजित करना असत्य के लिए सदा असंभव ही रहा। इस मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर ना केवल पूर्व सीएम अशोक गहलोत हमलावर थे, साथ ही बीजेपी के भी कुछ नेता उनके संभावित कद को भांपते हुए मामले को हवा दे रहे थे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिहाज से यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था। इस वजह से राज्य की राजनीति में गजेंद्र सिंह शेखावत की सक्रियता भी कम करनी पड़ी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे कि क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखती है। मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियां में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है। संजीवनी प्रकरण में अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, किसी भी असत्य को झूठ के आडंबर से बहुत दिन तक नहीं ढका जा सकता। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कि सत्य को आप बादलों के आडंबर से आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, काले पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता, किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के निर्णय के बाद एक तमाचा है। तो सुना आपने, जयपुर में बुधवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए शेखावत ने कहा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अपने बेटे की पराजय और प्रदेश की जनता द्वारा भाजपा को विजय दिलाने की खींच से उपजी मानसिकता के तहत जिस तरह झूठे केस में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस केस को बंद कर दिया है और आगे भी कोर्ट के आदेश के बिना जांच नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का आदेश इस बात को सच साबित करता है कि मुझे फंसाने का किसी तरह का कुत्सित प्रयास किया गया था। आइए अब आपको बता दें कि आखिर संजीवनी घोटाला था क्या। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव को राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत वर्ष 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2010 में सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई। इसमें निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया। करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने सोसाइटी में लगभग 900 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बाद निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर दिया गया और ब्याज नहीं लिया गया। देखते ही देखते सोसाइटी ने कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोल दी और फर्जी कंपनियां खोलकर लोन बांटे गए। इस सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह थे।
जो घोटाले की जांच में प्रमुख नाम के तौर पर भी नामजद है। विक्रम सिंह को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। विक्रम सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कनेक्शन भी बताया गया था और दोनों की साथ में तस्वीरें भी वायरल हुई थी। साथ ही आरोप ये भी था कि निवेशकों का पैसा गलत तरीके से विक्रम सिंह के खाते में ट्रांसफर हुआ और विक्रम सिंह ने एक ऐसी कंपनी से शेयर खरीदे जिनके शेयर होल्डर गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। वर्ष 2019 में मामले में पहली FIR दर्ज हुई और कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। निचली अदालत ने एक शिकायत के आधार पर जहां गजेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर जांच के आदेश दिए थे, तो वहीं हाईकोर्ट से बाद में इस पर रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम अब हट गया है। हालांकि इस मामले में पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा यह अभी भी भविष्य के गर्त में है। पीड़ित अपनी जमा पूंजी कब वापस ले सकेंगे इसका भी इंतजार संभवतः लंबा हो चला है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में 25 सितंबर का दिन किसी को संजीवनी देकर गया है और किसी की झोली से छीन कर ले गया है। राजनीति में 25 सितंबर का दिन कांग्रेस के लिहाज से एक काले अध्याय के रूप में भी है, जिसे सचिन पायलट के समर्थक लगातार आज सोशल मीडिया ट्रेंड्स के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आज ही के दिन आए इस निर्णय ने साफ कर दिया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान चौक के आप नियमित दर्शक हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है। साथ ही नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान चौक के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।